हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक नया मिंत्रा वर्सेस मीशो रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। तो ये वाला जो आउटफिट मैंने मंगाया है बहुत टाइम के बाद आया, लाइक मिंत्रा का पार्सल को 1 वीक हो गया था, मीशो का बहुत टाइम लगाया आने के लिए। तो आपको स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रही है, यहाँ पे मिंत्रा की, यहाँ पे मीशो की, और ये रही मेरी डायरी जिसमें मैंने प्राइस लिख के रखा था, जिस प्राइस में मैंने बाय किया। अभी का प्राइस आई डोंट नो कि वो बढ़ गया है कम हो गया, आई डोंट नो, लेकिन जब मैंने बुक किया था तो ये प्राइस का किया था। तो जो मिंत्रा वाला आउटफिट है दैट इज फॉर 1199, और जो मीशो वाला है दैट वाज फॉर 484 रुपीज। तो 715 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है, 700 ही पकड़ लीजिए अभी बोलने के लिए टाइम पे। डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 500 भी नहीं, 700 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है। अब मुझे पता नहीं आउटफिट कैसा आएगा, कौन सा मटेरियल आएगा, अच्छा आएगा भी कि नहीं। तो पहले हम ओपन करते हैं मिंत्रा का पार्सल, और गाइस मुझे बीच में वीडियो स्टॉप करना पड़ा क्योंकि आई वॉज सो कंफ्यूज कि मैंने ऑर्डर क्या किया था। तो मैंने आपने इमेज जिसकी देखी और मिंत्रा से मुझे ये ऑर्डर आया है, आई डोंट नो कि ये उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मिंत्रा से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मीशो का बहुत बार हो चुका है, गलत प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन मिंत्रा का सो ये वाला तो आउटफिट पूरा ही डिफरेंट है। आई हैव नो आइडिया अब मैं क्या करूँ इसका, इस पर मैं आपको डिफरेंस भी नहीं बता सकती हूँ। तभी मैं बहुत लंबा साइलेंट वो लग रहा है आपको वीडियो में, लेकिन आई एम सीरियसली शॉक क्योंकि मैंने ये जो प्राइस में दिया था वो ही प्राइस का मंगाया है, एंड इंडो एरा का ये और वो वाला आउटफिट भी इंडो एरा का था। लेकिन तब भी हम ये पहन लेते हैं कि अगर उन्होंने ये भेजा है तो ये दिखता कैसा है। गाइस तो ये मिंत्रा का आउटफिट है ये जो मैंने मंगाया था, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं इसमें कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो ये बहुत मतलब जो उन्होंने भेजा है वो इमेज से ज्यादा सुंदर आउटफिट भेजा है। सो दिस इज अ 3-पीस कुर्ता सेट, इसमें पैंट है, कुर्ता है, दुपट्टा है। तो दुपट्टा इज वेरी प्रिटी, आप देख सकते हो इसका कॉन्ट्रास्ट कलर पिंक कलर का, और यहाँ पे फ्रिल्स लगी हुई है। सो दिस इज रियली वेरी नाइस। और जो पैंट है, पैंट कि यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट लेस सॉर्ट ऑफ लगी है, तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहा है। इसकी स्लीव्स भी बहुत ज्यादा ही अच्छी है, मतलब ये आउटफिट मैंने देखा नहीं, और अगर ये आउटफिट मुझे मिलता है तो इस आउटफिट की लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन दिस इज सीरियसली वेरी प्रिटी। पैंट में पॉकेट भी है जिसमें फोन आप अच्छे से कैरी कर सकते हो। ये मैंने एम साइज का ऑर्डर किया था। मटेरियल इज रियली वेरी नाइस, ये कॉटन ब्लेंड मटेरियल, मतलब कॉटन, हाँ कॉटन ही है, लेकिन इसमें डिजाइन बहुत ही कॉटन मटेरियल है, बहुत अच्छा है, बस दुपट्टा कॉटन नहीं है, दिस इज नेट। सो ये आउटफिट सीरियसली बहुत बढ़िया, आप पूरा आउटफिट देख सकते हो। डेफिनेटली मैं इसे रिटर्न नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे अपने पास ही रखने वाली हूँ, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट आउटफिट आया है। गाइज अब बारी है मीशो का पार्सल ओपन करने की। गाइस आपको लग रहा होगा ये वीडियो बना क्यों रही है, क्योंकि मिंत्रा वर्सेस मीशो तो है नहीं, लेकिन मेरे को आपको इसलिए बताना है कि अगर आप आउटफिट मंगा रहे हो तो आपको चेक करना, आपसे आप ऑर्डर मंगा के इसे रखिए मत, पैकेट खोल के उसे फट से चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी आउटफिट डिफरेंट भी आ जाता है एंड हम रियलाइज नहीं करते। कभी कभी साइज भी वो जैसे आपको एम साइज रखते हैं, और कभी कभी वो लोग एक्सएल साइज भी देते हैं, तो आप चेक कीजिए और उसे ट्राई कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो उसे रिटर्न कर दीजिए या एक्सचेंज कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने मेरे केस में देख लिया कि एक पूरा डिफरेंट आउटफिट आया है, लेकिन ये आउटफिट बहुत प्रिटी लग रहा है, जो इमेज वाला था उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये। तो अब मैंने मीशो का पार्सल ओपन कर लिया है, अब मैं मिंत्रा का डिफरेंस बता नहीं पाऊंगी, लेकिन स्टिल हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये वाला कैसा है। ऑब्वियसली ये वाला मटेरियल, ये वाला जो मैंने खरीदा है ये कम प्राइस में खरीदा है, अगर ये थोड़ा सस्ता मटेरियल है इससे डेफिनेटली अच्छा मटेरियल मिंत्रा में मिल जाएगा, क्योंकि मिंत्रा वाला इंडो एरा कंपनी का था। सो लेट्स ट्राई दिस आउट गाइस। ये है मीशो का आउटफिट, और ये आउटफिट की बात कर रहे थे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, ये ऑर्डर किया था, तो ये मैंने एल साइज में ऑर्डर किया इसका, लेकिन जो अपर बॉडी का जो पार्ट है ना, शोल्डर से बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब मैंने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ये एल साइज मंगाया था, लेकिन इसकी फिटिंग बहुत वियर्ड है। यहाँ से सिर्फ पैंट परफेक्ट आया, पैंट के हिसाब से मैंने मंगाया था, लेकिन ये शोल्डर से बहुत ज्यादा टाइट, तो आप एक साइज या दो साइज बड़े मंगाइए अपने इसका। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जितना इंडो एरा कंपनी से खरीदी हूँ तो मुझे उनका थोड़ा फिटिंग का नॉलेज है, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ डिफरेंस। तो ये जो मीशो का है आपको एकदम नॉर्मल सिर्फ स्लिट पैंट दिख रहा है, लेकिन जो इंडो एरा का आता है वो थोड़ा सा प्लाजो सॉर्ट ऑफ होता है, वो एकदम स्ट्रेट पैंट रहता है। सो ये रेयॉन मटेरियल का, डेफिनेटली इंडो एरा वाला रेयॉन मटेरियल का नहीं होगा, क्योंकि वो इतना प्राइस ले रहा है उसका, आई गेस वो
कॉटन ब्लेंड होगा या मुझे तो वही लग रहा है कॉटन ब्लेंड होगा लेकिन ये रेयॉन है, तो पैंट का डिफरेंस तो मुझे लग रहा है वो जो इमेज में देखा था वैसा पैंट आई, लेकिन इसका पैंट वैसा नहीं आया है, इसमें पॉकेट वगैरह कुछ नहीं है और यहाँ से तो बहुत टाइट डिजाइन सेम दिख रही है। इसका दुपट्टा भी उतना खास नहीं लग रहा है मुझे, एकदम स्टिफ है, आई गेस वो एक बार वॉशिंग करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। साइज तो बहुत लाइक कंफर्टेबल है, मतलब पैंट वगैरह मुझे पैंट का ही डर लगता है टाइट ना हो जाए, पैंट इज रियली वेरी कंफर्टेबल, लेकिन ये कुर्ता इज सो वेरी नॉट कंफर्टेबल, मैं क्या बोल रही हूँ आई डोंट रियलाइज। सो ये पूरा आउटफिट ऐसा दिखता है, स्मार्ट तो बहुत है, मतलब अगर आप मिंत्रा से लो या मीशो से लो दोनों का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, कपड़ा डिफरेंट है, प्राइस का तो आपको डिफरेंस दिखाई, लेकिन दोनों ही पहनने में अलग ही दिखेगी, अच्छी दिखेगी। सो इसे भी मैं, इस आउटफिट को भी मैं 10/10 ही रेट करना चाहूंगी, बस ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, बाकी एवरीथिंग इज रियली नाइस जो प्राइस में मैंने ये बाय किया है। सॉरी गाइस मैं आपको इस आउटफिट का अच्छे से डिफरेंस बता नहीं पाई, लेकिन जितना मुझे पता है इंडो एरा कंपनी के बारे में वहां से जैसे आउटफिट्स आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वैसा का वैसा ही डिफरेंस दिखेगा आपको जब आप बाय करोगे। तो मैं ये और जो मिंत्रा वाला आउटफिट है वो दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, और जो गलत प्रोडक्ट आया है अगर वो मुझे मिलता है तो मैं वो भी प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी इनके हिसाब को बाय करना है कि नहीं। आई डोंट नो उसका प्राइस क्या है, कुछ आइडिया नहीं क्योंकि उन्होंने गलत प्रोडक्ट दे दिया है, लेकिन स्टिल आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम ब्लॉग एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और प्लीज आप कोई आउटफिट लेते हो तो प्लीज चेक कर लीजिए साइज का, कलर का, एवरीथिंग, और कुछ भी डिफरेंट दिख रहा है आपको जो आपने इमेज में देखा था उसे रिटर्न कर दीजिए, मैं आपको यही सलाह दूंगी। सो यहाँ पे फाइनली ब्लॉग एंड करते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।